जैसा कि आप लोगों को बेसिक्स अभी हमने बता दिया पेंसिल्स के बारे में कि कौन से पेंसिल्स का क्या यूज़ है, या ड्राइंग करने टाइम कौन से पेंसिल का यूज़ करना है, शेडिंग के लिए कौन सा पेंसिल का यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग अब सबसे पहले हम स्टिल लाइफ की ड्राइंग एक तरह से बनाएंगे, उसमें शेडिंग करेंगे। तो कोई भी पेंटिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंस आपकी ड्राइंग होती है कि आप उसकी ड्राइंग कैसी करते हैं। मीन्स कि ड्राइंग में आपने लाइंस कैसी चलाई हों, आप कलरिंग कितना भी अच्छा कर लेते हों, शेडिंग कितनी भी अच्छी कर लेते हों, पर अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर होगा, आपकी ड्राइंग नहीं कंप्लीट होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंटिंग अनकम्प्लीट ही हमेशा दिखेगी, उतनी क्लियर नहीं दिखेगी। तो पेंटिंग करने से पहले आपकी ड्राइंग क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है कि ड्राइंग कितनी क्लियर है, कितना जो है ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिख रहा है। तो हम स्टिल लाइफ की ड्राइंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पेपर में आप पेपर को एज ए बोर्ड में सेट कर लीजिए, और जो भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेस चॉइस कर लीजिए। ऑब्जेक्ट या कोई भी नेचर स्टडी स्टिल लाइफ बनाने के टाइम पे ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप अपनी प्लेस से बार बार इधर से उधर ना होइए। जो भी आपकी प्लेस है उसके अकॉर्डिंग आप बैठ जाइए, वहाँ पे अपना बोर्ड सेट कर लीजिए। बोर्ड में पेपर टेप के थ्रू या पेपर पिन आपके पास अवेलेबल हो उसके थ्रू फिक्स कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका पेपर बार बार इधर उधर हिलेगा नहीं, फिक्स रहेगा। फिक्स रहने से आपके ड्राइंग में बिल्कुल क्लियर आएगा। फिर अब ऑब्जेक्ट को आपको मेजर कैसे करना है। मेजर करने के पहले सबसे बात है कि जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ से पहले विजुलाइज करिए कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है, किस फॉर्म में है, ट्रायंगल फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, यह क्लियर करना है। मान लीजिए सर्कुलर फॉर्म में कोई सामने आपके एप्पल रखा हुआ है तो एप्पल एक तरह से सर्कुलर फॉर्म में होगा। सर्कल क्रिएट करने के बाद उसमें बस आपको एप्पल का शेप देना होगा। तो एक नॉर्मल रफली सर्कल की ड्राइंग कर लीजिए, उसमें जैसा जैसा एप्पल का शेप है वो कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट सामने जो भी है उसको मेज़र करिए। मेज़र करने के बाद ये ज़रूर कर दीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपके पेपर के सेंटर में आना चाहिए। सेंटर मीन्स कि ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट एक साइड जा रहा, या नीचे की साइड ज़्यादा हो गया ऊपर पेपर ज़्यादा छूट रहा, या ऊपर ज़्यादा हो गया नीचे पेपर छूट रहा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी ऑब्जेक्ट पेंटिंग जो भी बनानी है वो आपका सब्जेक्ट जो है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से आई लेवल पर देखिए आपके आँखों के सामने जो सबसे फर्स्ट पार्ट है आपके ऑब्जेक्ट में जो सबसे फर्स्ट पार्ट आपकी आंखों के सामने है उसको पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। और हमेशा से एक हॉरिजन लाइन ले लीजिए। हॉरिजन लाइन से क्या होता है कि वो डिवाइड करती है आपके ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा हुआ उसके नीचे के पार्ट को और ऊपर के पार्ट को। तो कभी भी हॉरिजन लाइन आपको पेपर के सेंटर में नहीं लेनी है। सेंटर में हॉरिजन लाइन इसलिए नहीं दे लेते हैं कि उससे क्या है कि आपकी पेंटिंग या जो भी बना हुआ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मीन्स सेंटर में आपने लाइन ले ली तो ऊपर का पार्ट अलग हो गया, नीचे का पार्ट अलग हो गया, तो ऐसे जो भी आप पेंटिंग बनाएंगे वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हॉरिजन लाइन या तो आप सेंटर से नीचे रख लीजिए या सेंटर से ऊपर रख लीजिए। तो आप कोशिश करिए कि सेंटर से नीचे हॉरिजन लाइन ले लिया। अब हॉरिजन लाइन के अकॉर्डिंग आप जो भी सबसे ऑब्जेक्ट सामने है उसके अकॉर्डिंग एक रफली ड्राइंग कर लीजिए। मान लीजिए एक बॉल रखी हुई है, बॉल नॉर्मल से सर्कुलर फॉर्म में होती है, उसके अकॉर्डिंग सर्कल है। अब एक अगर आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है इसके अकॉर्डिंग आप इससे पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इसके साइड में ऑब्जेक्ट क्या है, इसके फ्रंट पे ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इसके पीछे कोई जो बॉक्स रखा हुआ है, कोई भी स्क्वायर बॉक्स रखा हुआ, उसके पीछे सबसे पहली बात आप मेजर इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपका बॉल है बॉल के कितना नीचे से या सेंटर पार्ट से कहाँ से जो है जो पीछे स्क्वायर फॉर्म में जो भी रखा हुआ है बॉक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका फिनिशिंग जो है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो वो मेजर कर सकते हैं। जैसे मेजर कर लिया कि ये फिनिशिंग इसके इधर की लाइन सेंटर में आ रही है, इधर की लाइन जो है बॉल से थोड़ा नीचे आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप मेजर कर सकते हैं। फिर अगर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका टॉप दिख रहा है तो आप टॉप बना दीजिए। अभी जैसे हमारे सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखता है उसका टॉप हमें दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसका ये टॉप व्यू भी बना दिया। बस सेटिंग करते टाइम कोशिश करिए जितना से जितना
लाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं उतना बेटर आपके लिए रहेगा। लाइट पेंसिल का इसलिए क्योंकि जितना डार्क करना चाहेंगे लाइट आपने कर लिया, लाइट से डार्क कर सकते हैं, पर आपने पहले ही डार्क कर दिया तो डार्क से लाइट आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्राई करिए कि जितना से जितना हो सके उतना लाइट आप करिए। ड्राइंग करते टाइम तो आप ट्राई करें जितना लाइट से लाइट आप पेंसिल चला सकते हैं उतना लाइट से लाइट पेंसिल चलाइए। उससे क्या होगा कि आपकी ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल लाइटर पार्ट बनेगा। मान लीजिए कहीं आपको रफ करना पड़ा या कुछ वाइट पार्ट दिखाना पड़ा तो आप बहुत इजीली दिखा सकते हैं, ज़्यादा आपको इरेजर करने की यूज़ करने की जरूरत नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट बनाइए वो सामने जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके थ्रू मेजर करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा और उसके बाद ड्राइंग फटाफट शुरू कर दी और फिर दोबारा ऑब्जेक्ट की तरफ आपने देखा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करिए। जैसा भी ऑब्जेक्ट सामने रखा है उसको थोड़ी थोड़ी देर पर आप मेजर जरूर करते रहिए हमारा ऑब्जेक्ट सेम टू सेम या नहीं भी सेम टू सेम कुछ सिमिलर आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट रखता है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरह से रफली रफली ड्राइंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब ड्राइंग के साथ साथ हमें जो पीछे ड्रैपरी बनी है ड्रैपरी को भी एक तरह से रफली एवरी की एक रफ आइडिया ले लीजिए। ड्रैपरी इसलिए डालते हैं ताकि आपको कलरिंग का या लाइट शेड का जो है बहुत इजीली जो है नॉलेज हो सके कि कहाँ से लाइट पड़ रही है, कहाँ पर जो है डार्क दिखाना है तो वहाँ पर कैसे कौन सी पेंसिल या कौन से कलर का यूज़ करके आप डार्क दिखा सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि पेंसिल रफली हमने HB 2B जिससे भी आपको करना है उसके थ्रू हमने कर लिया। अब हम इसमें शेडिंग शुरू करेंगे। तो शेडिंग हम ऐसी तरफ से करेंगे जहाँ पे हमको बिल्कुल दोबारा जो है टच ना करना पड़े या हाथ ना रखना पड़े, उसके अकॉर्डिंग हम शेडिंग स्टार्ट करते हैं। शेडिंग में भी सबसे पहले आप जो कोशिश करिए जितना लाइटर से लाइटर कर सकें, जितना लाइट पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं वो करिए। करना है तो इसी टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा डार्कनेस भी साथ ही साथ करते चले। ऐसा नहीं कि कोशिश करिए कि आपने पूरे ऑब्जेक्ट में पहले लाइट किया है फिर डार्क किया है, आप चाहें दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप एक ही साथ फिनिश करना चाहते हैं, एक साथ एक एक पार्ट करके करना चाहते हैं, जैसे भी आपको जैसा आपको सुटेबल है उस हिसाब से कर सकते हैं। ये है कि आपको लाइट के लिए कौन सा पेंसिल यूज करना है, डार्क के लिए कौन सी पेंसिल का यूज करना है, ये जो है प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि जो है कहाँ पे हमको लाइट दिखानी है तो कौन सा यूज़ करना है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप जो है बहुत ड्राइंग में जो है एक तरह से हाथ आपका हैंडसेट हो गया है तो आप एक ही पेंसिल से बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपका पेंसिल पर प्रेशर जो है कंट्रोल हो जाता है, कब आपको कहाँ पेंसिल में प्रेशर देना है तो डार्क चलेगी, कब आपको उससे प्रेशर कम करना है तो लाइट चलेगी। जितना ही आप चाहे HB हो 4B हो 6B हो जो भी पेंसिल हो जितना आप उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ही वो डार्क बोल्ड होती जाएगी, जितना ही आप उससे प्रेशर कम करेंगे उतनी ही वो लाइट होती जाएगी। एक
पार्ट को कंप्लीट करके चले जाते हैं ताकि हमें दोबारा इधर टचअप या हाथ कहीं पर रखना ना पड़े। हाथ रखने से क्या होता है कि मान लीजिए हमने पूरा पार्ट एक बार में कर लिया है रफ रफ लाइक लाइक, उसके बाद हमें कहीं हाथ रखना पड़ गया तो वो जो आपकी पेंसिल की लेड होती है वो आपके थ्रू जो पूरे पेपर में फैलती रहती है। इसलिए ट्राई करिए कि एक पार्ट कंप्लीट करते चलिए, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा और आपकी पेंटिंग ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। डार्कर पार्ट करना है डार्क के लिए आप सबसे लास्ट में डार्क पेंसिल यूज करके और डार्क कर सकते हैं। ये है कि जो भी आप सेटिंग दिखा रहे हैं या डार्क दिखा रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट में डार्क साइड एक ही साइड होगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट सामने रखा होता है उसमें एक साइड से लाइट दी जाती है दूसरे साइड से डार्क करी जाती है। ऐसा बिल्कुल ना करिएगा कि इस ऑब्जेक्ट में हमने इधर डार्क किया इधर लाइट किया, इसमें हम उसका उल्टा कर दें इधर लाइट कर दें इधर डार्क कर दें, नहीं है। इस ऑब्जेक्ट में भी इसी साइड डार्क होगा इस साइड लाइट होगा। दिखा रहे हैं तो उसका दूसरा पार्ट जो है आपको डार्क दिखाना पड़ेगा, उससे जो है ऑब्जेक्ट आपका क्लियर होगा। जैसे ये पार्ट थोड़ा लाइट था और नीचे का जो पार्ट था वो हमने डार्क कर दिया तो दोनों में डिफरेंस भी आएगा और क्लियर भी होगा। जैसे हमारे ऑब्जेक्ट के सामने ही जो बॉल रखी हुई इसकी शैडो इस ऑब्जेक्ट पर पड़ गई, उसकी शैडो दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर देंगे। एक ऑब्जेक्ट लगभग कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही लाइट टू डार्क ऐसे ही सेटिंग सारे ऑब्जेक्ट में कर लेंगे। सेम जहाँ पे डेप्थ दिख रही होगी वहाँ डेप्थ दिखाने के लिए डार्क पेंसिल का यूज़ करिए, जहाँ पे लाइट दिख रही है वहाँ पे लाइट पेंसिल का यूज़ करिए। और इन केस कहीं कहीं पर मान लो आपको बहुत लाइट दिखानी है तो कोशिश करिए वहाँ पेपर वाइप छोड़िए या इरेजर के थ्रू जो है रफ कर दीजिए या हटा दीजिए वहाँ से। पार्ट को लाइट कर दीजिए दूसरे पार्ट को डार्क कर दीजिए।
सेटिंग लगभग लगभग हमको सामने वाले पिछले बॉक्स में जैसी सेटिंग दिख रही है जैसी लाइट आप दिख रही है तो उसके अकॉर्डिंग से हम इसमें कर लेंगे। पार्ट को थोड़ा थोड़ा डार्क कर देना है तो दोनों में डिफरेंस भी आ जाएगा और लाइट डार्क का इफेक्ट भी मिल जाएगा। कहीं बिल्कुल ही डार्क ग्रीन दिख रहा होगा तो उसका ध्यान रखते हुए आपको सेटिंग करनी है। और हमेशा से चाहे आप ड्रैपरी बना रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्ट बना रहे हो, चाहे कलरिंग कर रहे हो, हमेशा से आप ये ध्यान रखिए कि आपको लाइट को डार्क चलना है। पहले लाइट कलर अप्लाई करना है या पहले लाइट पेंसिल चलानी है, उसके बाद डार्क चलाना है। लाइट पार्ट है वो लाइट पार्ट हम ले लेंगे, फिर डार्क हमको ऐसा लगता है कि किसी पार्ट में डार्क करना है तो वहाँ डार्क हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे मिक्सिंग का काम आता है कि ड्रैपरी में कहीं या स्टिल लाइफ में आपको लगता है कि मिक्सिंग करनी है तो मिक्सिंग के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन का यूज़ कर सकते हैं, ईयरबड आजकल आती हैं ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जैसे आ गया पेपर स्टम क्या होता है, पेपर का एक रोल होता है इस तरह से और उसके थ्रू आप मिक्सिंग करते हैं। तो मिक्सिंग में कुछ नहीं, पेपर स्टम में आपको करना है जहाँ पे आपको डार्क करनी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा प्रेस करना है, जहाँ पे लाइटनेस दिखानी है वहाँ पे बहुत लाइट आप मिक्स कर सकते हैं पेपर स्टम के थ्रू।
और आपके पास अगर पेपर स्टन नहीं है तो आप नॉर्मल जो भी ड्राइंग सीट है, रफ सीट है, उसके थ्रू एक छोटा सा पेपर का जो है टुकड़ा ले लीजिए, उसके थ्रू भी आप मिक्सिंग कर सकते हैं। जैसा भी चाहते हैं उसके हिसाब से पेंसिल आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारा सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ड्रैपरी में थोड़ा सा हमें इस पार्ट में लाइट दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लाइट करेंगे।
इसकी टेपिंग निकाल रहे हैं। टेपिंग निकालते समय आपको एक बात का ध्यान देना है कि कागज फट ना पाए और आप आराम आराम से निकालेंगे। सब्सक्राइब और शेयर करें।